हेलो एवरीवन, आई एम पिनल गरसिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम यूनिट 4 इंग्लिश में यूनिट 4 रिवीजन करेंगे। यूनिट 4 पोएम एंड स्टोरी। पोएम है रेन। नो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58, यहाँ पे हमें पजल्स दी गई है, तो ये पजल हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। यूज द पिक्चर्स एज क्लूज। आपको क्लू दिए गए हैं, यहाँ पे है स्नो, SNOW स्नो। ये है विंड, WIND विंड। ये है क्लाउड, CLOUD क्लाउड। ये है लाइट, LIGHT लाइट। ये है डस्ट, DUST डस्ट। यहाँ पे है सन, SUN सन। यहाँ पे मून, MOON मून। स्टार, STAR स्टार। स्टूडेंट्स, ये अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप लिख लीजिएगा। ये है हिट, HEAT हिट। नाउ लुक एट दिस। ये है आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं वो भी लिखना था, और इंग्लिश में ये है मून, हम चांदो। सन, सूरज। क्लाउड, वादल। स्टार, तारा। तो ये आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पे आपको ब्लैंक्स दी गई है। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। रिवर, पॉन्ड, शी, लेक। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। डक इज स्विमिंग इन द लेक। द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड। अब हम नोटबुक में देखेंगे। न्यू वर्ड्स, अराउंड, फॉल्स, फील्ड, अम्ब्रेलाज, सीप्स। मीनिंग्स, अराउंड ऑन एवरी साइड, फॉल ड्रॉप डाउन, फील्ड एन एरिया ऑफ ओपन लैंड प्लांटेड विथ क्रॉप्स। अम्ब्रेला यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन एंड रेन। शिप्स, लार्ज बोट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स। ऑपोजिट वर्ड्स, फॉल रेज, राइमिंग वर्ड्स, रेन गेन, फॉल कॉल, ट्री फ्री। हियर डियर, मेक सेंटेंसेस। फील्ड, The farmers were watering in the crops in the field. Umbrellas, my umbrella is red in color. Seeds, the travel cost of seeds is very expensive. Answer the following questions. Where does the rain fall? The rain falls on fields and trees. What do people use when it rains? People use umbrella when it rains. ये आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, ये हमारे लिए रीड करने के लिए है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। नाउ स्टोरी, और हम टेक्स्ट बुक में से ये एक्सरसाइज करेंगे। टेकआउट पेज नंबर 66। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज बिहाइंड द डोर। द कैट इज अंडर द स्टूल। द कैट इज ऑन द सूटकेस। तो ये एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है।
अब हम नोटबुक में देखते हैं, नोटबुक में है न्यू वर्ड्स। स्नेल, स्टॉर्म, हरी, विजिट, क्लाइम, लाइट, क्रैश, क्लाउड, क्विक, पुल, हैड। टेल, डार्क, हाइड, अंडर, क्राई, स्टोन, ब्लो, थंडर, फॉल, वेट, फिलर्स, लाइटनिंग। मीनिंग्स। स्नेल, अ स्मॉल एनिमल विथ अ राउंड शेल। फिलर्स, एन एनिमल ऑर्गन दैट इज यूज फॉर टेस्टिंग थिंग बाय टच। स्टॉर्म, अ वायलेंट वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स। लाइटनिंग, ब्राइट फ्लैश विथ थंडर। थंडर, क्रैशिंग नॉइज आफ्टर लाइटनिंग। हरी, स्पीड, क्रैश, स्मैश, क्विक, फास्ट, क्राई, वीप, फॉल, ड्रॉप। ऑपोजिट वर्ड्स, क्राई, लाफ, क्विक, स्लो। फॉल, रेज। हरी, डाउडल, वेट, ड्राई, पुल, पुश। राइमिंग वर्ड्स, फ्रेंड, सैंड, क्राई, ड्राई, फॉल, वॉल, व्हाइट, नाइट, लुक, बुक, स्टोन, बोन। मदर, ब्रदर, सेट, हैट, पॉट, कॉट, क्रो, ड्रो। मेक सेंटेंसेस। स्नेल, स्नेल क्रॉल वेरी स्लोली। डार्क, आई सो अ मॉन्स्टर इन अ फॉरेस्ट ऑन अ डार्क नाइट। फिलर्स, एंट्स हैव टीनी फिलर्स टू रीच टुवर्ड्स देयर फूड। स्टॉर्म, द किड्स गॉट स्कैर्ड विद द साउंड ऑफ द स्टॉर्म। लाइटनिंग, अवर कार गॉट स्टक बिकॉज ऑफ lightning. Answer the following questions. Who was Sunu Sunu? Sunu Sunu was a snail. Who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu was visiting his friends. Where were the ants hiding? The ants were hiding under a flower pot. Did Sunu Sunu get wet? Sunu Sunu did not get wet. Students, ये सब आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. Thanks. Thanks for watching.